हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने पत्रकार वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की। जमा 10-2 कक्षा का परीक्षा परिणाम 92.77% रहा है। कुल्लू के पुष्पिंदर ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। 3679 विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की तर्ज पर 12वीं में भी मेरिट सूची जारी नहीं की है। 12वीं कक्षा में 1,799 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सोनी ने कहा कि 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणाम आने के बाद ही अगर कोई व्यक्ति अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो उनके परिणाम का पुनः आंकलन करवाया जाएगा। इसके लिए बोर्ड की ओर से तिथियां भी निर्धारित कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 11वीं कक्षा की परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट, फर्स्ट और सेकंड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड और अंग्रेजी का पेपर जो बोर्ड की ओर से लिया गया था, इसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है। नीति ये कहती है कि बच्चों का कंटिन्यूस इवेलुएशन करना चाहिए। पहले हमारा जो कन्वेंशनल मेथड था उसमें साल के अंत में जब बोर्ड के पेपर होते थे तो उसके जो बच्चे का आंकलन किया जाता था तब उसके अंक दिए जाते उसकी परफॉर्मेंस के। लेकिन कंटिन्यूस परफॉर्मेंस को देखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि बच्चे को आप पहले दिन से ही जज करना प्रारंभ करें। इसे क्या होगा, बच्चे का स्ट्रेस कम होगा और साथ ही साथ जो पहले कन्वेंशनल मेथड था उसमें करिकुलर एक्टिविटी के ही नंबर थे, नॉन करिकुलर एक्टिविटी के नंबर या अंक नहीं थे। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, नॉन जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बराबर का अधिमान जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया। आगे आने वाले टाइम में जो असेसमेंट का ये क्राइटेरिया है, ये इंडिकेटर्स हैं, वो बदलेंगे। इसके ऊपर हम तुरंत विचार करने वाले हैं और फिर सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करके, एक्सपर्ट से बातचीत करके, सरकार से बातचीत करके इसको फाइनल करें। सर वो कौन से 8 पैरामीटर हैं जिनके आधार पर ये परीक्षा जो है? प्लस टू में 8 इंडिकेटर्स जो थे उसमें था कि परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन 10th क्लास, प्रीवियस क्लास है, और 11th क्लास, और उसके बाद फर्स्ट टर्म जो इस साल उन्होंने दिया है ऑनलाइन, सेकेंड टर्म ऑनलाइन दिया था वो भी ये टीचर्स ने लिया, स्कूलों ने लिया है। प्री बोर्ड में पेपर डाला गया था बोर्ड के द्वारा, वो भी स्कूलों में कंडक्ट किया है बेहतर तरीके से, और एक पेपर हमने कर लिया था इंग्लिश का, उसको इवेलुएट कराया, वहाँ भी परफॉर्मेंस देखी है। साथ में इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो टीचर ने दिए हैं उनको हमने ऑनर किया है, और इन 8 क्राइटेरिया और इंडिकेटर को मिलाकर हमने जज किया है, बच्चे को असेस किया है, उसके आधार पर अंक दिए। सर मैट्रिक में निकला ही नहीं है, तो ऐसे बच्चे जिनको एक पेपर में वो फेल हो गए थे पहले या कंपार्टमेंट थी, तो ऐसे भी बच्चे जो कि 3 पेपर्स में अभी पास नहीं हुए, तो उनको SAS के माध्यम से हमने जो एक नीतिगत दस्तावेज अभी बना था, नोटिफाई हुआ है, उनमें कहा है कि ऐसे बच्चों को भी पास कर दिया जाएगा मिनिमम अंक देकर। यदि फिर मिनिमम अंक लेकर बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उसके बाद उनको अगस्त और सेप्टेम्बर में हम चांस देंगे जी। 12वीं का रिजल्ट हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है। कुल छात्र जो अपीयर हुए थे 1,799 छात्र अपीयर हुए थे, और इनमें फेल होने वाले छात्रों की संख्या 5,220 है, और 702 छात्र छात्राएं जिनकी कंपार्टमेंट आई है। कुल मिलाकर जो रिजल्ट रहा है वो 92.77% रहा है। पिछले सालों की तुलना में परिणाम बहुत बेहतर रहा है। अगर आप 2019 का देखें परिणाम, तो उसमें परिणाम 69% था और 2020 का 76% ऐसा परिणाम रहा था। इस वक्त आप सभी जानते हैं कि कन्वेंशनल मेथड के आधार पर एग्जामिनेशन नहीं हुए थे कोविड-19 के कारण। 8 ऐसे इंडिकेटर्स थे, उनमें अधिकतर टीचर ने जो नंबर दिए हैं और जो एग्जामिनेशन स्कूल में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हुए हैं, और बच्चे की पास परफॉर्मेंस 10वीं और 11वीं में कैसी रही है उसको बेस बनाकर हमने ये रिजल्ट बनाया है। जिन्होंने बच्चे जो परफॉर्मर बच्चे हैं जिन्होंने बेहतर पहले किया है 10वीं और 11वीं में, या एक पेपर हमने लिया था इंग्लिश का जो कि फाइनली एनुअल पेपर हुआ था या प्री बोर्ड में, उसको बेसिकली आधार बनाकर हमने परफॉर्मर बच्चों को भी आइडेंटिफाई किया है और बाकी बच्चों को भी अंक दिए हैं। सभी बच्चों को इसका फ़ायदा हुआ।
सर नहीं लगता कि जो कन्वेंशन आधार पर जो है जिस तरह से आपने कहा कि उसको इस वक्त इस बार जो है उसके अलावा नया मेथड जो अपनाया गया है जो बच्चे फेल हुए हैं उनके मन में कुछ खटका रहेगा इसलिए क्योंकि वो लास्ट में ही जाकर परीक्षाओं की जो है वो तैयारियां करते थे और वो पास आउट भी होते थे। अभी जो फेल बच्चे हैं बहुत कम बच्चे हैं और साथ ही हमने एक विंडो उनके लिए ओपन रखी है, यदि वो इंडिकेटर्स के आधार पर जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में है उनसे अंकों से संतुष्ट नहीं है, फेल हो गए हैं, तो वो अगस्त और सितंबर में अपना पेपर दे सकते हैं, तो उनके लिए एक विंडो हमने रखा है तो वो सुधार कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम किस तरह का रहा है? सरकारी स्कूलों में संख्या बच्चों की ज़्यादा है और प्राइवेट स्कूलों की संख्या कम है, लेकिन 90% से लेकर 100% बच्चे जो प्राप्त किए हैं नंबर, तो पहला बच्चा जो कुल्लू से है उसके 100% हैं, बाकी ऐसे 92% जो बच्चे हैं वो कुल मिलाकर 3679 बच्चे हैं, यानी 3.64% बच्चे हैं जिन्होंने ये नंबर लिया। इसमें प्राइवेट स्कूलों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन 2019 और 20 में भी प्राइवेट स्कूलों की संख्या ज़्यादा ही रही है, 2.64% 2020 में जो रिजल्ट निकला था उसमें 90 से 100% बच्चे प्राप्त करने वाले जो थे वो गवर्नमेंट स्कूल के 1213 थे और जो प्राइवेट स्कूल के थे वो 1075 बच्चे थे, यानी वो संख्या ज़्यादा थी उनकी इन कंपैरिजन जितने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में एनरोल हुए हैं। तो इस प्रकार जी सर, जो ये पैरामीटर